कोरोना वायरस बीमारी 2019, जिसे कि कोविड-19 भी कहा जाता है, किसी को भी बीमार कर सकती है और इसके सिम्टम्स बहुत ज्यादा वेरी करते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार के लोगों को कोविड-19 की बीमारी का असर ज्यादा सीवियर होता है। कोविड-19 के सिम्टम्स को ज्यादा सीरियस होने का खतरा उन लोगों में ज्यादा है जिनकी उम्र ज्यादा हो। इसी तरीके से किसी भी उम्र के व्यक्ति में यदि कोई अपनी हेल्थ की इश्यूज हो, उदाहरण के लिए फेफड़ों या हृदय की कोई प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन हो, तो उन लोगों में भी कोविड-19 के सीरियस सिम्टम होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसी कुछ मेडिकल कंडीशंस जो यदि व्यक्ति में ऑलरेडी हो, तो उन व्यक्तियों को कोविड-19 के सीरियस सिम्टम्स डेवलप करने का खतरा ज़्यादा होता है। तो आइए चलिए देखते हैं कुछ ऐसी ही प्री मेडिकल कंडीशंस। सीरियस और डेंजरस कोविड-19 के सिम्टम्स का खतरा उन लोगों में ज़्यादा है जिनकी उम्र जनरली 60 साल से अधिक हो, और यह खतरा सर्वाधिक होता है यदि व्यक्ति की उम्र 85 वर्ष से अधिक हो। विभिन्न प्रकार के हृदय रोग एक व्यक्ति को ज़्यादा सुसेप्टेबल बनाते हैं सीवियर कोविड-19 के सिम्टम्स के लिए। यह जो हृदय की बीमारियां हैं उनमें होता है कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कार्डियोमायोपैथी, या कि इवन जो हाई ब्लड प्रेशर है जिसे हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं। यदि इस प्रकार की समस्याएं पहले से ही किसी व्यक्ति में हों, तो उसे कोविड-19 की सिम्टम्स बहुत सीवियर होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। इसी तरीके से क्रॉनिक लंग डिजीजेस एक व्यक्ति को ज़्यादा प्रोन करते हैं सीवियर कोविड-19 के सिम्टम्स के लिए। क्रॉनिक लंग डिजीजेस में जो बीमारियां इंक्लूडेड हैं वो है मॉडरेट टू सीवियर एस्मा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जिसे कि हम COPD भी कहते हैं, इंटरस्टीशियल लंग डिजीज, लंग कैंसर यानी कि फेफड़ों का कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, पल्मोनरी फाइब्रोसिस या पल्मोनरी हाइपरटेंशन। यदि इस प्रकार की बीमारियां हों तो कोविड-19 ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। साथ ही साथ स्मोकिंग या वेपिंग करने से हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचता है और हमारा इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो जाता है। इस कमज़ोर इम्यून सिस्टम की वजह से कोविड-19 ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस एक व्यक्ति को दे सकता है। वो व्यक्ति जिन्हें या तो टाइप 1 डायबिटीज या टाइप 2 डायबिटीज है, उनमें कोविड-19 का असर ज़्यादा खतरनाक होने का खतरा अधिक होता है। इसी तरीके से ओबीस या ओवरवेट यानी कि मोटे लोगों में भी कोविड-19 के सीरियस इम्पैक्ट का खतरा अधिक होता है। इसी तरीके से हीमोग्लोबिन ब्लड डिसऑर्डर्स जैसे कि सिकल सेल एनीमिया या थैलेसीमिया यदि किसी व्यक्ति में हो, तो उसे कोविड-19 के सीवियर सिम्टम्स होने का खतरा अधिक होता है। सिकल सेल एनीमिया में हमारे रक्त के रेड ब्लड सेल्स जिन्हें RBC भी कहते हैं बहुत सख्त और चिपचिपे हो जाते हैं और उनकी शेप इंग्लिश के अल्फाबेट C के जैसी बन जाती है। ये जो डिफॉर्म्ड ब्लड सेल्स होते हैं वो जल्दी मर जाते हैं और इसीलिए उनकी ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जो क्षमता है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है। इसी तरीके से थैलेसीमिया में जो बॉडी होती है वो अधिक हेमोग्लोबिन बनाती ही नहीं है, इसलिए पूरी बॉडी की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है और वीक हो जाती है। तो इस प्रकार के व्यक्तियों में जो अगर कोविड-19 हो, तो उसका ज़्यादा सीवियर होने का खतरा अधिक बन जाता है। विभिन्न प्रकार की ऐसी कंडीशंस हैं या ट्रीटमेंट्स हैं जो कि एक व्यक्ति का इम्यून सिस्टम बहुत वीक कर सकती हैं, जैसे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स, कैंसर का ट्रीटमेंट, बोन मैरो का ट्रांसप्लांट या HIV/AIDS या बहुत अधिक लंबे समय तक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या अन्य इम्यून वीकनिंग मेडिसिंस का यदि प्रयोग किया जाए, तो उससे व्यक्ति की इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। और उस प्रकार के व्यक्तियों में यदि कोविड-19 हो, तो उनको इसका असर बहुत ज़्यादा डेंजरस या भयंकर होने का रिस्क अधिक होता है।
उन व्यक्तियों में जिनमें क्रॉनिक किडनी डिजीजेज हैं या फिर उन्हें क्रॉनिक लिवर डिजीजेज जैसे कि अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिजीज, नॉन अल्कोहल फैटी लिवर डिजीज, सराइसिस, स्कारिंग ऑफ लिवर या अन्य किसी प्रकार की क्रॉनिक लिवर डिजीज है, तो उन व्यक्तियों को भी कोविड-19 का सीवियर होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। इन जनरल जो डाउन सिंड्रोम नामक बीमारी से ग्रस्त पेशेंट हैं, उनमें जो लंग इन्फेक्शन है उसका होने का चांस हमेशा अधिक होता है। इसीलिए इस तरीके के लोग मोर वल्नरेबल हैं सीवियर कोविड-19 के इम्पैक्ट के लिए। कैंसर भी किसी भी व्यक्ति को अधिक वल्नरेबल बना सकता है सीवियरली इल होने के लिए कोविड-19 से। विभिन्न प्रकार के कैंसर के जो अलग अलग तरीके और ट्रीटमेंट हैं वो एक व्यक्ति के इम्यून सिस्टम को वीक यानी कि कमज़ोर बना देते हैं। और बेस्ड ऑन जो अभी तक स्टडीज अवेलेबल हैं उनसे हम यह भी कह सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति में हिस्ट्री ऑफ कैंसर हो तो भी उसमें कोविड-19 की सीवियरिटी अधिक होने का रिस्क अधिक होता है। इसी तरीके से न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस जैसे कि डिमेंशिया एक व्यक्ति को अधिक वल्नरेबल बना सकता है सीवियरली इल होने के लिए कोविड-19 से। सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर जैसे कि अल्कोहल, ओपियोइड या कोकेन यूज डिसऑर्डर्स एक व्यक्ति को अधिक प्रोन बनाते हैं टू गेट सीवियरली इल फ्रॉम कोविड-19 डिजीज। स्ट्रोक या सेरिब्रोवास्कुलर बीमारियां जो कि प्रभावित करती हैं रक्त मस्तिष्क की तरफ हो रहे रक्त के प्रवाह को एक व्यक्ति को अधिक वल्नरेबल बनाती हैं टुवर्ड्स अ सीवियर इलनेस फ्रॉम कोविड-19। यानी कि इस प्रकार की यदि बीमारियां हो तो उन व्यक्तियों में कोविड-19 अधिक खतरनाक या अधिक भयंकर डेंजरस होने का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। जो स्ट्रोक के सिम्टम्स या साइंस होते हैं वो हमने आपके लिए स्क्रीन पर दिखाए हैं।